अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पाकिस्तान से मैं और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे? आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज मेरे वो हलवा पूड़ी बना रही थी, काफ़ी टाइम बाद मैंने हलवा पूड़ी बनाई है। मुझे याद नहीं है कि मैंने अभी क्लास टाइम कब बनाई थी, बहुत टाइम बाद बनाई। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ, और वो भी बनाने का यही रीज़न था। अगर मैं और मेरे हस्बैंड होते तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती, पर घर में मेहमान आए हुए थे और बर्तन देख सकते हैं माशाल्लाह से इतने सारे हो गए। इतना फर्स्ट टाइम मेरे किचन में इतने सारे बर्तन जमा हो गए थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना काम बहुत ज़्यादा फैल गया था। क्योंकि हलवा पूड़ी ना, मैं पूड़ियाँ जो होती हैं वो हाथ के हाथ बना के देने में ही वो होता है, अगर आप बना के रख दो तो वो मज़ा नहीं आता जो एकदम गर्म वाली खाई जाती हैं, ठंडी करके बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो बस यही था कि मैं पूड़ियाँ बना के देती जा रही थी और अंदर मेहमान खाते जा रहे थे। मेहमान कौन आया हुआ था? मेरे हस्बैंड के सारे दोस्त आए हुए थे सुबह नाश्ता करने के लिए, और सुबह 7 बजे, और ये सुबह 7 बजे का टाइम था। और बस यहाँ पर मैंने नाश्ता वगैरह दूंगी, मैं पूरी रात से नहीं सोई थी, मैं पूरी रात से ही उठी हुई थी, क्योंकि आयशा को सुलाने के बाद ना मैंने उसके बाद ही किचन में आके सब कुछ तैयारी की थी, और उसका क्लिप मैं बना नहीं पाई क्योंकि मेरे मोबाइल में ना चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं थी, जिसकी वजह से मैं शूट ही नहीं कर पाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अब मैं जब भी बनाऊँगी ना तो आप लोग के साथ पूरी रेसिपी शेयर करूँगी। और इतने मज़े की बनी थी ना, अब यकीन करें सिर्फ एक पूड़ी बची थी और इसके अलावा एक पूड़ी भी नहीं बची थी, मैंने फिर वो एक पूड़ी ही खाई थी, क्योंकि मुझसे सुबह सुबह इतना हेवी नाश्ता होता नहीं है। तो बस यहाँ पर किचन क्लीन कर रही थी और मेहमान जा चुके थे क्योंकि वो सिर्फ नाश्ते के लिए ही आए थे, तो हस्बैंड ने सबको बुला लिया था, उनके सारे दोस्त आए थे। तो बस तो फिर वो लोग नाश्ता करके जा चुके थे, और मैंने यही सोचा था कि चलें किचन की क्लीनिंग वगैरह करके और फिर उसके बाद जाके आराम से मैं सो जाऊंगी। और जब जाके मैं लेटी ना सोने के लिए तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, और मुझे 9 बज गए थे, 9 बजे तक नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि एक जो टाइम होता है सोने का, अगर उस टाइम आप सो नहीं तो फिर दिल नहीं करता सोने का। तो कुछ सीन मेरे साथ यही हुआ, और मैंने इतनी कोशिश की थी कि मुझे नींद आ जाए नींद आ जाए, पर मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। और करते करते 9 ही बज गए थे, 9:30, और उसके बाद जाके ही मैं सोई थी। तो आज किचन में ना बर्तन इतने सारे थे, मुझे धो के इतनी वाली फीलिंग्स आ गई थी, जो कि ना जब मेरे भाई मेरे साथ होते थे ना, जब हम लोग साथ रहते थे तो वाली फीलिंग आ जाती थी, क्योंकि ना उस टाइम ऐसा ही होता था, मेरा किचन बिल्कुल फुल हो जाता था बर्तनों से। और काफ़ी टाइम बाद यही हुआ है कि मेरे किचन में इतने सारे बर्तन जमा हो गए, क्योंकि ना हम दो ही जने हैं तो इतने ज़्यादा बर्तन होते ही नहीं, क्योंकि मैं हाथ के हाथ धोती हूँ, और मेरी आदत भी यही है कि मैं बर्तन बिल्कुल भी जमा नहीं करती। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बर्तन ना हाथ के हाथ वॉश करके रख दूँ, एकदम से जब किचन में भर जाते हैं ना तो फिर मुश्किल हो जाती है किचन को साफ़ करना। अब ये करते करते ना आपको तो क्लिप में लग रहा होगा बस 5 से 10 मिनट का काम था, मुझे बर्तन धोते धोते ना 1.25 घंटा हो गया था। और जब मैं किचन से 7 बजे लगी थी और 8 बजे मैं किचन से निकली थी, इतना टाइम हो गया था मुझे किचन को क्लीन करते। फिर मैंने सोचा चलो यार डीप क्लीनिंग ही कर देती हूँ जब मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। तो ऐसे करते ना मेरे फ्रिज सारे कैबिनेट्स पे भी कपड़ा मार दिया, असले पे भी मैंने अच्छे से वॉश कर दी, सारे किचन के जो टॉवल पेपर थे वो सारे मैंने सोचा कि चलो अच्छे से अब धो ही लेती हूँ जब मैं कर ही रही हूँ काम। तो ऐसे करते करते ना इतना ज़्यादा टाइम हो जाता बिल्कुल भी पता नहीं चलता। हमें वीडियो में ऐसा लग रहा होता कि सिर्फ 2 से 3 मिनट का काम है, पर ऐसा नहीं है। और देख सकते हैं बर्तन ऐसे करते बिल्कुल क्लीन हो गया, किचन भी बिल्कुल चमचमाता हुआ हो गया। और बस अब मैं जाऊंगी बस सोने के लिए। तो जब उठी थी तो उठने की मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की बस, तो फिर शाम में मैंने आयजा को चिप्स और पापड़ बना के दे दिए थे, आयजा ने बिखरावा किया हुआ था। आई होप आज का व्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आयजा मैंने अभी अभी सफाई की, सारे टॉय अपने उठाओ और बैग में डालो जल्दी प्लीज़। ये क्या किया हुआ आपने? किसका हाल बनाया है? ये क्या हाल बना के रखा हुआ है?